फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं फिर से एक फ्रॉक सूट की डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मेज़रमेंट है। तो यहाँ आप मेन फैब्रिक देख सकते हैं। मैंने मेन फैब्रिक को 5 मीटर लिया है और यहाँ मैंने लाइनिंग पे मार्किंग कर ली है। सिंपल बोट नेक है और अब हम मेन फैब्रिक पर कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक ले लिया, इसको 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें लाइनिंग को रखते हुए कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने फ्रंट बैक दोनों ही पार्ट कट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने बैक नेक को छोटा और फ्रंट नेक को 4 इंच रखा हुआ है। ये देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकती हैं। फ्रेंड्स अब आइए अब हम दूसरा पार्ट कट कर लेते हैं, जो हमारा घेरा आएगा। तो यहाँ मैंने कपड़े को 4 परतों में कर लिया है और इस हमारी फुल लंबाई है 47 इंच। तो जो हमारा बॉडी का पार्ट है 14 इंच हम उसको निकाल देंगे, तो हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 13.5 से हम मार्किंग करेंगे 50 इंच पे। 50 इंच पे हम कटिंग करेंगे क्योंकि 1 इंच हमारा नीचे से जाएगा और 0.5 इंच ऊपर से जाएगा। तो ऐसे ही हम निशान लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं, जैसे हम पेटीकोट में निशान लगाते हैं ना, वैसे ही हमने इसमें भी लगाया है। और जो हमारा घेरा है वो 11 इंच रहेगा, जो हमारा कमर का साइड है वो 3 इंच रहेगा। ये देखिए, और अब हम कटिंग कर लेंगे और ऐसे ही हम एक तिरछा और एक सीधा ज्वाइंट भी करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी सिलाई। तो यहाँ पे मैंने बॉडी पार्ट को मेन फैब्रिक और लाइनिंग में अटैच कर लिया है। अब हम इसका नेक रेडी करेंगे। नेक मैं सिंपल ही पट्टी वाला बना रही हूँ, तो तिरछी पट्टी जैसे हम बनाते हैं वैसे ही कटिंग करके हम नेक रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा नेक रेडी हो गया है। ऐसे ही हम फ्रंट पार्ट में भी पट्टी लगा के नेक रेडी करेंगे और इसको फोल्ड करके आप चाहे तो तुरपाई कर सकते हैं या फिर सिलाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने फ्रंट भी रेडी कर लिया है। अब हम इसमें लैस अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर की लैस ली है, ये देखिए, इससे हम अपने नेक पर डिज़ाइन देंगे। सिलाई लगाते हुए हम इसको ऐसे अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक रेडी है। तो अब हम डॉट डालेंगे, जैसे हम ब्लाउज में डालते हैं ना वैसे ही डॉट डालेंगे। आइए अब हम अपने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को जॉइंट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को दोनों को जॉइंट कर लिया है। अब हम इसमें फिटिंग देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने फिटिंग दे दी है और नीचे से थोड़ा थोड़ा मैंने छोड़ भी दिया है क्योंकि वहाँ पे अभी हम अपना जो दूसरा पार्ट है ना वो अटैच करेंगे। तो उसके लिए, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने कलियों को जॉइंट कर लिया है। अब आइए हम इसके बॉडी पार्ट में इसको जॉइंट कर देते हैं। तो यहाँ सिलाई लगाते हुए दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जॉइंट कर लिया है। अब हम इसमें फिटिंग दे देंगे। तो आइए अब हम अपनी आस्तीन रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो लेस मैंने नेक पे अटैच की थी वही को मैंने आस्तीन पे भी लगा दी है, ये देखिए। अब हम इसमें फिटिंग देते हुए अपने फ्रॉक सूट में अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को अटैच करने के लिए हम स्लीव्स को सीधा करेंगे और बॉडी पार्ट को उल्टा ही रखेंगे और इसको राउंड करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह स्लीव्स लगाने में हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी स्लीव्स रेडी हो गई। ऐसे ही हम दूसरे स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे। अब आइए हम जो हमारा बैक का नेक है ना उसको भी हम फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे, फिनिशिंग देंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा नेक रेडी है। तो आइए अब हम इसका जो फ्लेयर है, घेरा है, उसमें हम लेस अटैच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम 1 इंच फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम लेस अटैच करेंगे। तो ये लेस मैंने अटैच की है, ऐसा ही हम दुपट्टे में भी अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये रहा हमारा फाइनल लुक। तो कमर में भी मैंने लेस से बेल्ट बना लिया है। तो ये देखिए कितना अच्छा फ्लेयर आया है। 5 मीटर में हमने पैंट और दुपट्टा और सूट रेडी किया है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल न्यू है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।